अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, कैरियर से होंगे। आज एक न्यू रेसिपी लेकर आई हूँ मैं। इसके लिए आज हम बना रहे हैं पीले और चिकन। इसके लिए सबसे पहले मैंने ऑयल लिया और इसमें प्याज को डाल दिया, ठीक है। इनको कलर आने तक प्याज को पकाएंगे। आफ्टर 2 मिनट्स आप देख सकते हैं कि हमारे प्याज जो है हल्के ब्राउन हो चुके हैं। अब हम इसमें चिकन ऐड कर देंगे। इसको कलर चेंज होने तक 2 से 3 मिनट तक भूनेंगे, ठीक है। हैं कि चिकन का कलर चेंज हो चुका है। तकरीबन मैंने इसको मुसलसल 2 से 3 मिनट के लिए मुसलसल चम्मच हिला दिया, ठीक है। आप जो है इसमें 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करेंगे फुल भर के। 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करेंगे और 1 मिनट के लिए इसको भून लेंगे। बहुत अच्छी तरह अदरक लहसुन की खुशबू आने लगी, मतलब ये हमारे पास भून चुका है। उसके बाद हम इसमें टमाटर ऐड करेंगे। मैंने 2 अदर टमाटर लिए, इनको इसमें ऐड कर देंगे। टमाटर को सॉफ्ट होने तक इसकी भुनाई करेंगे, ठीक है। आप देख सकते हैं टमाटर हमारे तकरीबन सॉफ्ट हो चुके हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे मसाले। मैंने थोड़ा सा नमक, 2 चम्मच लाल मिर्चों का पाउडर, हल्दी, धनिया पाउडर ये इसमें ऐड करेंगे और थोड़ा सा पानी इसमें ऐड करेंगे ताकि हमारे मसाले जलें। अब इसको 2 से 3 मिनट तक बहुत अच्छी तरह से पका लेंगे। देख सकते हैं चिकन हमारा बहुत अच्छी तरह से भून चुका है। अब हम इसमें वेजिटेबल्स जो हम लोगों ने किए थे टिंडे, वो शामिल करेंगे। दो से तीन मिनट तक इसको बहुत अच्छी तरह से, आप देख सकते हैं कि हमारे जो है टिंडे और चिकन भून चुका है। अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे जितना आपको ज़रूरत हो। मैं इतना पानी ऐड किया मैंने, और हरी मिर्चें और हरा धनिया मैं डालूंगी इसमें। और 10 मिनट के लिए इसको पकने के लिए छोड़ दें। आफ्टर 10 मिनट्स आप देख सकते हैं अच्छे तरह से हमारे टिंडे और चिकन तैयार हो चुके हैं। आखिर में हम लोग इसमें गरम मसाले को ऐड करेंगे और मिक्स कर देंगे। माशाल्लाह बहुत ही अच्छा कलर आया है हमारे टिंडे को। आप बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगे, कैसी लगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। इंशाल्लाह कल न्यू वीडियो के साथ हाजिर होंगी। तब तक के लिए।